बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी ड्रग्स। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट कर ले। इस तरह मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एवलाइन कॉस्मेटिक्स का प्योर कंट्रोल फेस वॉश जेल बहुत ज़बरदस्त है। ये मैंने 545 रुपीज़ में परचेज़ की है। 200 ml की बॉटल है। गर्मियों में जो है फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है, और इससे पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा फेस वॉश जो है वो ट्राई किए हैं, लेकिन फेस वॉश करने के बाद वही होता है कि सेम टी जोन एरिया बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है और चिपचिप करना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इस फेस वॉश में जो है वो सैलिसिलिक एसिड है और फेस पर जो ज़्यादा ऑयल नहीं आता। इस फेस वॉश से वॉश करने के बाद आपकी स्किन जो है वो एकदम स्मूथ हो जाती है और एक्स्ट्रा सेबम आपके फेस पर जो है वो इतनी जल्दी अपेयर नहीं होता। काफ़ी ज़्यादा फेस वॉश जो है मैंने ऑयली स्किन पर ट्राई किया, लेकिन लिटरली ये फेस वॉश सबसे ज़्यादा बेस्ट है। इकोनॉमिक भी है 545 रुपीस में, जहाँ पर बॉडी शॉप का फेस वॉश 2300 रुपीज़ लाइक दैट इस प्राइस में मिलता है, वहाँ पे 545 रुपीज़ में एक ऑयली स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त फेस वॉश है। इसको मुझे ट्राई करते हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं और मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला, क्योंकि गर्मी जो है वो पीक पे है और फेस पर जो है टी जोन एरिया पर स्पेशली बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस फेस वॉश को ट्राई कर लिया जाए, जहाँ पर इतने सारे फेस वॉश जो है वो ट्राई किए, वहाँ पर इसको भी एक चांस दिया जाए। ये फेस वॉश जो है इसलिए मुझे इफेक्टिव लगा क्योंकि जहाँ बॉडी शॉप का हम फेस वॉश जो है T3 फेस वॉश 2300 या 2000 की रेंज में लेते हैं, वहाँ पे 545 रुपीज़ में ये 200 ml की आपको बॉटल मिल जाती है, जिसमें सैलिसिलिक एसिड भी है। और मेरे ख्याल में ये बहुत ज़बरदस्त फेस वॉश है, आपके फेस पर काफ़ी हद तक ऑयल को कंट्रोल करता है। अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा ऑयली और एक्नी प्रॉन है तो देन आप इस फेस वॉश को लाजमी ट्राई करिएगा। इसमें जो है वो जिंक और सैलिसिलिक एसिड है, ये भी क्लेम करता है कि आपके फेस पर से स्पॉट्स और ब्लेमिशेस को ख़त्म करता है। मैंने इसको ऑयली फेस पर ट्राई किया, मुझे स्पॉट्स और ब्लेमिशेस का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकती कि इसके यूज़ से जाते हैं या नहीं जाते। इसके साथ ही एवलाइन कॉस्मेटिक्स का SOS जो प्योर कंट्रोल है ना, इसका एक टोनर भी है, मैं उस पर भी इंशाल्लाह ताला जो है वो रिव्यू शेयर करूँगी। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट आपसे लाजमी करूँगी कि अगर आपका फेस ऑयली है तो आपने अभी तक अगर इस प्रोडक्ट को ट्राई नहीं किया तो लाजमी ट्राई करिएगा। ये आपके फेस से जो एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करता है, और मेकअप करने के बाद जो है वो आप अगर जितने मर्जी प्रोडक्ट लगा लो तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि फेस मेकअप करने के बाद चिपचिप नज़र आ रही होती है, कि ऑयल जो है वो शाइन कर रहा होता है, तो इससे काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है। इसमें जो है वो जिंक और सैलिसिलिक एसिड है, जो आपके फेस को डीपली क्लेंस करता है, और ये कॉम्बिनेशन और ऑयली स्किन और एक्नी प्रॉन स्किन वाले दोनों ट्राई कर सकते हैं। ये आपके फेस पे जो स्पॉट्स को भी ख़त्म करता है, और आपके फेस पे अगर इन्फ्लेमेशन हो रही है ब्लेमिशेस की वजह से तो उसको भी ख़त्म करता है। और इसमें जो जिंक है ना, उससे आपकी स्किन से पे जो सेबम ऑयल आता है वो कंट्रोल होता है। इसकी जो प्रोडक्ट की ख़ास बात ये है कि इस पर ना जो इसके पैकेजिंग है बहुत अच्छी है, ये लॉक और अनलॉक हो जाती है, तो ट्रैवल फ्रेंडली बॉटल है। जब आप इसको राइट साइड पर करते हो तो ये ओपन हो जाती है, और लेफ्ट साइड पर करते हो तो ये अनलॉक हो जाती है। तो इस तरह ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली बॉटल है, जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए आप उतनी अनलॉक करके इसमें से निकाल सकते हो। इससे पहले भी मैंने एवलाइन कॉस्मेटिक्स की जो आई क्रीम है वो उस पर भी रिव्यू शेयर किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, लाजमी चेकआउट करिएगा। फेस वॉश करने के बाद जो टोनर लाजमी लगाया करें, वो कोई भी आप कंपनी का टोनर यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो है रोज़ वाटर का जो टोनर है वो सबसे बेस्ट है। फ्रिज में रखा गर्मियों में, और जैसे ही फेस वॉश किया तो फ़ौरन जो है वो स्प्रे कर लिया, तो उससे भी काफ़ी हद तक ऑयल जो है वो कंट्रोल होता है। इस पर इसके इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड भी है, 200 ml की बॉटल है, एक्सपायरी डेट भी मेंशन है। जो ही आप इसको ओपन करें तो विद इन 6 मंथ्स जो है वो आपने इसको यूज़ करना है। इस फेस वॉश को आपने दिन में 2 दफ़ा लाजमी ट्राई करना है, मॉर्निंग और नाइट स्किन के रूटीन में आप लाजमी इसको ट्राई करें। ऑयल कंट्रोल करेगा, बहुत हद तक आपको इफेक्टिव नज़र आएगा। सैलिसिलिक एसिड की इसमें जो है वो खुशबू है, जब आप इससे फेस वॉश करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो इसकी फ्रेग्रेंस है वो सैलिसिलिक एसिड की है। सो 50 ml जो है कि इसके साथ फ्री मिलता है, जो इसमें क्वान्टिटी है वो 50 ml एक्स्ट्रा है, और 545 रुपीज़ है। एवलाइन कॉस्मेटिक्स का प्रोडक्ट है, मेड इन EU मैंशनड है इस पर, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है। मेरे फेस पे काफ़ी हद तक इसने ऑयल को जो कंट्रोल किया इस समर में स्पेशली, तो अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो लाजमी ट्राई करिएगा, ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है।
बहुत कम क्वांटिटी जो है वो इस फेस वॉश की यूज़ होती है। आप इसका कलर देख सकते हैं, टर्कवाइज कलर का है। तो वेट हैंड्स पर लेकर आपने अपनी फिंगर्स से जो है अपने फेस पर इसको सर्कुलर मोशन में जो है मसाज करना है। जेंटली जो है अपने अपने फेस पर मसाज करेंगे तो आपके फेस से तमाम ऑयल डर्ट वगैरह जो ये रिमूव कर देगा। मैं जो है मनीजो का फेस मसाजर यूज़ करती हूँ, उसको वेट करके जो है आप अपने स्किन पर और नेक पर फेस पर जब सर्कुलर मोशन में सर्कुलेट करते हैं तो वो काफ़ी हद तक आपके जो है पोर से ऑयल को डर्ट को रिमूव कर देता है और काफ़ी देर तक जो है आपका फेस बहुत अच्छा फ्रेश फील होता है। तो मनीजो का ये मसाजर आप लाजमी परचेज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक है। मैंने इस पर भी अपना रिव्यू शेयर किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है। बहुत कम प्राइस में मिल जाता है, 600-700 की रेंज में मिल जाता है। सो एवलाइन कॉस्मेटिक्स का जो प्योर कंट्रोल SOS फेस वॉश जेल है ये बहुत ज़बरदस्त है, डीपली क्लेंस करता है आपके पोर्स को जो है वो अनलॉक करता है, आपकी स्किन को मैटिफाई करता है और स्मूथ करता है। तो अगर आपने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया तो इसको लाजमी ट्राई करिएगा, बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, ऑयली स्किन के लिए बहुत बहुत अमेजिंग है। क्योंकि मैं इसको पर्सनली तौर पर ट्राई कर रही हूँ और मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो ये आपको लोकल मार्केट से आसानी से मिल जाएगा, आप चाहो तो इसको दराज से भी परचेज़ कर सकते हो। 545 रुपीज़ इसके जो है प्राइस से, इसमें जो है 50 ml आपको जो है वो एक्स्ट्रा मिलता है। सो ये आपका एक प्रोडक्ट जो है तकरीबन 2-3 महीने आसानी से फेस वॉश गुजर जाता है। किसी भी फेस वॉश को आप ना दिन में 2 दफ़ा लाजमी ट्राई किया करें और उसके बाद टोनर लगाना मत भूलें, क्योंकि टोनर से जो है वो आपका फेस के जो पोर्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं और उससे भी कम ऑयल जो है वो आपके फेस पर नज़र आता है। सो मेक श्योर अच्छे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें और अच्छी खुराक खाएँ ताकि आपकी स्किन स्मूथ नज़र आए, फ्रेश नज़र आए। और इसके साथ ही जो है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो है वो इनटेक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लीमू पानी पिएं और फ्रेश चीज़ों का इस्तेमाल करें, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं। इसके साथ ही रिक्वेस्ट करूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।